सो गाइज आज हमारे पास है सस्ता सा छोटा सा प्यारा सा ये ड्रोन। और गाइज अगर आप इसकी फुल अनबॉक्सिंग वीडियो या फिर फुल डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप उसे सिंपली मेरे दूसरे चैनल दिलराज सिंह पर भी जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट गाइज, तो हमने इस छोटे से ड्रोन के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये छोटा सा ड्रोन आखिरकार कितना वजन उठा सकता है। तो हमने ये पाया कि ये ड्रोन इस पटाखे का वजन बड़ी ही आसानी से उठा सकता है और इसे लेकर ये ऊपर आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक जा सकता है। सो गाइज अब उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन सा कांड करने वाले हैं। ऑलराइट गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। सो गाइज हम इस पटाखे को इस ड्रोन की सहायता से ऊपर आकाश में उड़ाने वाले हैं, लेकिन गाइज मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये ट्रिक काम करेगी या फिर नहीं, क्योंकि इस ड्रोन के नीचे इस पटाखे को लगाने की वजह से हमारा ड्रोन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो सकता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रही है, तो हो सकता है कि हमें हमारे ड्रोन को बाय बाय कहना पड़े। लेकिन गाइज देखते हैं फिर क्या होता है। ऑलराइट गाइस, तो हमारी ट्रिक काम कर गई, हमने बॉम्ब को आकाश में फोड़ दिया, लेकिन ड्रोन को उतारते समय थोड़ी सी गलती होगी जिस वजह से ये इस तरीके से गिर गया, लेकिन फिर भी हमारा ड्रोन अभी तक सही सलामत है। ऑलराइट गाइस, तो इसे अब मैक्सिमम हाइट तक लेके जाते हैं, जितना पॉसिबल हो सके इसे उतनी ऊंचाई तक लेके जा सके। हालांकि उतनी ऊंचाई पर इसे शूट करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मजा तो आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो हमने दो बार सक्सेसफुली हमारे इस ड्रोन की सहायता से पटाखे को ऊपर आसमान में फोड़ा है और गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा ड्रोन अभी भी सही सलामत है। लेकिन गाइस ये ट्रिक सक्सेसफुल हो गई है ना, तो मेरे दिमाग में और भी न जाने क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं, जैसे कि मैं इसके साथ में अनार बांध के ऊपर आसमान में उड़ाऊँ और भी कई सारे। लेकिन अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।